ये भैया गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर रहे हो? ये क्या लिया हुआ आपने? मावा। कितना किलो? 10 किलो। 10 किलो मावा। और कितने आप किलो बनाने वाले हैं गुलाब जामुन? 20 किलो के लिए। ये जो पहला दे रखे है कैसा है? ये छेना पनीर बोलते हैं इसको। अच्छा, पनीर जिसको कहा जाता है। ये कितने किलो डालेंगे आप? 10 किलो में 5 किलो। 10 किलो मावा, 5 किलो छेना। इसमें कितना ये रैक्स डाल रहे हैं? रैक्स क्या होता है? बेकिंग? हाँ, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कितना डालना होगा इसमें? 10 चम्मच कह रहे हैं, छोटी आई हो। अच्छा, छोटी 10 चम्मच, यानी कि 1 किलो में एक। एक किलो में एक, एक किलो के हिसाब से 1 चम्मच। और इसमें अब हम क्या डाल रहे हैं? ये ऑयल 1 किलो में 100 ग्राम। 1 किलो में 100 ग्राम ऑयल डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ढाई किलो मैदा, यानी कि 1 किलो में 250 ग्राम, यानी कि अगर हम बनाएं तो 1 किलो में 250 ग्राम मैदा यूज करेंगे। अरारोट पाउडर कितना? ये 1 किलो में 20 ग्राम। 1 किलो में 20 ग्राम अरारोट पाउडर। हाँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो सूजी पाइए, सूजी भी डाल सकते हैं। दिल्ली ज्यादा हो ना, तो अच्छा अच्छा, अगर ये मावा जो है, ये छेना पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार किया वो ढीला है तो आप सूजी डाल सकते हो। हाँ। अदरवाइज जरूरत नहीं है। हाँ। और ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है इसका, गुलाब जामुन का। अब इसको हम गुलाब जामुन बनाएंगे धीरे धीरे। पूड़ी के आकार का इसका हम ये तोड़ लेंगे डो। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए ये हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म होने देंगे। ये ठंडे तेल में डाला जाते हैं? ना ज्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज्यादा गर्म भी नहीं। ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। अब ये पक्के तैयार हो गया। वाव। और इसको अब हम चाशनी में डाल देंगे। ये कितने तार की चाशनी है? कितने तार की चाशनी है? पतली है, एक तार की है। एक तार की। और ये सारे अब नीचे डिप हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे।
बनके तैयार। ऊपर ना कर ले पूरा पाउडर ले। अगर आपको इस तरीके के जामुन गुलाब जामुन बनाए हुए पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और मेरे को चैनल है, मेरा खुद का चैनल जो मैं घर की रेसिपीज उस पर डालती हूँ, पूनम स्ट्रीट फूड के नाम से, आप उसको भी ज़रूर देखें और लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। बोलो।